अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर मेकिंग समोसा पट्टी एंड रोल पट्टी, और इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा विच इज़ ऑल पर्पज फ्लावर, और इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अच्छा, मैं 2 कप्स ऑफ फ्लावर के मुताबिक इस रेसिपी को बना रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा डो की ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ। लेकिन अगर आपने इस रेसिपी को डबल या ट्रिपल करना है तो आप इन सब क्वांटिटीज़ को डबल कर लें या ट्रिपल कर लें अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर और मैं इसको नीट कर लूँगी अच्छे से। अच्छा, इसकी जो डो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो नॉर्मल रोटियों का जो हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सी हार्ड होती है, ताकि जब हम इसको बेलेंगे तो इसकी रोटियां फट ना जाएं। हमने इसको तब तक नीट करना है जब तक कि ये चिपकना बंद ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी डो अब बिल्कुल भी चिपक नहीं रही, सो इट्स डन। अभी हम गोना लीव दिस फॉर 10 मिनट्स, इसको हम रेस्ट देंगे, और उसके बाद हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली है। अराउंड 9 बॉल्स बनी थी, और अब मैं ईच बॉल को बेल लूँगी। अभी आप देखिए, मैं इस तरह इसको बेल लूँगी। आपने इसको बहुत पतला नहीं बेलना इस स्टेज पे, इसकी मतलब आपने नॉर्मल बेलना है जैसे हम रोटियों के लिए बेलते हैं, आपने उतना इसको बेलना है, और हम इसको साइड पे रख देंगे। और यही स्टेप मैं बार बार रिपीट करती जाऊँगी सब बॉल्स के लिए, सब पेड़ों के लिए, उन सबको अच्छी तरीके से बेल लूँगी और उनको हम रख देंगे। अच्छा, जो रोटियां हमने बेल ली उनको आपने कवर करके रखना है बिकॉज़ वो ड्राई हो जाएंगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी बॉल्स रहती हैं जिनको हमने रोटियों में कन्वर्ट करना है। सो अगर हम वो करते रहेंगे तो हमारी बाकी की पिछली रोटियां जो है वो ड्राई हो जाएंगी। इस तरह से देखिए, मैंने कवर कर लिया था और मैंने सब की सब रोटियों को बेल लिया। नाम टेकिंग ऑयल, और हर रोटी के ऊपर मैं ऑयल अच्छे तरीके से लगा दूँगी, सब की सब रोटियों के ऊपर लगाने, सिर्फ एक रोटी के ऊपर नहीं लगाना जो कि टॉप पे जाएगी, बाकी सबको मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैंने जब आपको मैं आगे बताऊँगी, जब इनको मैं स्टैक करूँगी, तो मैंने 9 की 9 रोटियों को एक ही बार स्टैक किया था, जो कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बाद में। लेकिन अगर आप इनको हाफ हाफ बैचेज में यानी 4-4 करके स्टैक करें, तो आपने यहाँ पर फिर क्या करना है, 2 रोटियों के ऊपर ऑयल नहीं लगाना, बाकी सब के उस ऊपर लगा लेना। यहाँ पर सब रोटियों के ऊपर ऑयल लग गया, लेकिन ये जो लास्ट वाली है इसके ऊपर मैंने ऑयल नहीं लगाया क्योंकि ये टॉप पे जाएगी। अच्छा, नाम टेकिंग फ्लावर, और मैं सब रोटियों के ऊपर जिनके ऊपर मैंने ऑयल लगाया हुआ है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, एंड दिस विल फर्दर हेल्प कि हमारी जो रोटियाँ हैं वो ज़्यादा स्टिक ना करें। और यहाँ पर आई एम स्टैकिंग दैम, आप देख लें, एक रोटी के ऊपर एक रखती जा रही हूँ मैं, और 9 की 9 मैंने स्टैक कर दी थी। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर बिगिनर तो आप 9 की 9 स्टैक मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होगी। अब 4-4 स्टैक करें और फिर आगे फर्दर प्रोसेस उसका वैसे ही करें जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर दिस इज़ द लास्ट वन जिसके ऊपर ऑयल नहीं था, ये मैंने इस तरह से इसको टॉप कर दिया है, और अब मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि जितनी भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएँ और हमारी जो रोटियाँ थोड़ी सी घुल मिल जाएँ आपस में, थोड़ी सी चिपक जाए। और अब मैं थोड़ा सा फ्लावर डस्ट ऑफ कर रही हूँ बिकॉज हमारी रोटियाँ ताकि नीचे चिपके ना, और अब मैं इसको आराम से बेल लूँगी। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, ठीक है, अगेन उससे क्या होगा बाद में जब आप इसको अलहदा करेंगे, जैसे आप आगे देखेंगे मैं आपको दिखाऊँगी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इसको आपने दरमियाना बेलना है जितना आपसे हैंडल हो सके। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पैन है या तवा है वो कितना बड़ा है, आपकी रोटी उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो कि मेरी थी और मुझे प्रॉब्लम हुई थी। आप देखेंगे, अब देखिए मेरी रोटी काफ़ी बड़ी होगी है, और ये बहुत थिन बनी थी, लाइक परफेक्ट थी लेकिन डिफ़िकल्ट टू हैंडल थी। तो यहाँ पर जो मेरा आप देख सकते हैं पैन थोड़ा सा गर्म हो चुका था, अब मैंने अपनी ये रोटियाँ जो हैं इसके ऊपर डाल दी है और मेरी पैन के बाहर जा रही है। दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि आपने इसको इतना ज़्यादा नहीं बेलना, आपने ध्यान में रखना आपके तवे का साइज़ क्या है। और ऑब्वियसली अब चूँकि तवा बड़ा था तो सिर्फ बीच में हीट जा रही थी, तो साइड पर मैं इसको इस तरह से रोटेट कर रही हूँ ताकि इवन हीटिंग हो, लेकिन इसने इतना खास हेल्प नहीं किया था, जो मेरे किनारे थे वो थोड़े कच्चे कच्चे रह गए थे।
बट यहाँ पर आप देखिए मैं एक एक करके उतार रही हूँ, एक एक करके तो कभी उतरेगी नहीं क्योंकि इतनी गर्म थी मेरी उंगलियाँ जल रही थी। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जो उतर रही थी मैंने उसको उतार लिया था, यानी आपने एक साइड पे इसको रखा फिर फ्लिप किया, आप देखिए यहाँ से ऐसे फ्लिप किया तो ऊपर से उतार ली, उसके बाद दोबारा से फ्लिप किया तो नीचे वाली साइड से उतार ली। तो जितनी उतर जाती हैं आप उतार लें, बाकी आपने बाद में यहाँ पर जो मैं कटिंग कर रही हूँ वहाँ पर मैंने कटिंग करने के बाद उतारी थी। तो यहाँ पर आप देखिए जो साइड्स में इनकी जो अन ईवन साइड्स हैं वो उतार लूँगी और इनको स्क्वायर शीट्स में अच्छे से काट दूँगी। और अब देखिए अब मैं सेपरेट कर रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं हो रही बिकॉज़ पहले वो गर्म थी तो मेरी उंगलियाँ जल रही थी, तो वो जितनी तब तक हुई मैंने उनको सेपरेट कर लिया, बाकी मैं अभी इस टाइम सेपरेट कर लूँगी। यहाँ पर अब ये देखिए पूरी गोल रोटी है, अब देख लें इनको हमने किस तरह से काटना है। और ये जो मैं शीट्स काट रही हूँ ये रोल पट्टी के लिए है, समोसों के लिए कैसे काटनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्क्वायर शीट्स आर फॉर रोल पट्टी। अब मैं इनको यहाँ पर भी आप देखेंगे मैं इनको सेपरेट कर लूँगी और कितनी आराम से ये सेपरेट हो गई है। यहाँ पर मेरी रोल पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई, आप देखिए कितनी थिन है। अगर आप इनको कम बेलेंगे थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और इसको हैंडल करना बहुत आसान होगा और वो ज़्यादा चिपकेगी नहीं, ठीक है। जितनी पतली रोटी होगी वो उतनी ज़्यादा चिपकेगी साथ, तो आप देख लें आपसे किस तरह से हैंडल होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हमने समोसों के लिए कैसे काटना है, उन्हीं रोल पट्टियों को बीच में से हाफ कर दें तो आपके समोसे की तैयार हो जाती है पट्टी। अब देख रहे होंगे कि जो साइड्स हैं जो हमने हमारी कितनी वेस्ट हुई वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगी, उनको आप पापड़ी उसकी तैयार कर सकते हैं, उनको फ्राई करके और आप चाट के ऊपर उसको डालें और बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाती है। यहाँ पर समोसा पट्टियाँ और रोल पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब आपको हम बताएंगे इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे। ये देखिए ये लेफ़्ट ओवर्स हैं जो हम आगे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक कंटेनर लिया है और मैं इसके अंदर अपनी शीट सब डाल दूँगी। मैंने रोल पट्टियों को बीच में हाफ इसलिए किया क्योंकि हम घर में रोल इतने इस्तेमाल करते नहीं, हम सब समोसे खाते हैं, तो मैंने आगे इसी से समोसे बनाने थे तो फिर मैंने इनको समोसा पट्टी में कन्वर्ट कर लिया और ये इजीली मेरी इसमें पूरी भी आ गई थी बिकॉज रोल पट्टियाँ इसमें पूरी नहीं आ रही थी। तो ये प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर से मैं क्लिंग फिल करूँगी। आप जिप लॉक बैग में भी डाल सकते हैं, शॉपर में भी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में डालें जो कि एयर टाइट हो, और आप इसे फ्रीज़ करके स्टोर कर लें या फिर इनके समोसे बना के इनको फ्रीज़ कर लें।